यूज आप बीजेपी का एक पन्ना प्रमुख अभियान चलता है, ठीक है। तो पन्ना प्रमुख में क्या होता है कि हर एक एक पेज में 30 वोटर होते हैं, वो माइक्रो वोटर टारगेटिंग का पार्ट है, ठीक है। माइक्रो वोटर टारगेटिंग क्या है? माइक्रो वोटर टारगेटिंग है कि जैसे चुनाव वाले दिन आपका जितना अच्छे से टीम ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एक टीम एक पर्सन पे, सोचिए कि एक एक बूथ पे एक बंदा है आपका, उस बंदे को 1,000 लोगों का जिम्मेदारी है कि उनको वोट कराने ले जाए, वर्सेस इम्पॉसिबल आपने पन्ना प्रमुख बना दिया जहां पे हर 30 या 60 बंदे पे आपने एक बंदा रख दिया, तो उन उसको इंश्योर करना है कि सिर्फ वही 60 लोगों में से मेजर जाके वोट दे दें। ये माइक्रो वोटर टारगेटिंग है। ठीक तो है। और कोई ये काम ऑप्शन? आप कैसे बनाएंगे टीम? इस तरह से डेटा चाहे आप एक्सेल में यूज करें या किसी भी एडिटेबल फॉर्म में यूज करें, डेटाबेस फॉर्मेट में, जिसमें आप इनका नाम मार्क करें कि भाई ये बंदे का जिम्मेदारी ये 60 लोग हैं, जी तो ये माइक्रो वोटर टारगेटिंग है, ये उन्होंने किया। अब ये कौन कौन से लोग होंगे? ये वैसे लोग होंगे जैसे जिनको आपके थ्रू फायदा मिला है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने वहां अपने यहाँ बहुत काम किया है, तो आप किसी बंदे से बोले कि वो आपका कार्यकर्ता बने तो वो तो संभव नहीं है कि अपना पूरा समय दे आपको, लेकिन आप उससे कहते हैं कि पूरे टाइम में आपको सिर्फ अपने एरिया के इन 30 लोगों का ध्यान देना है और सिर्फ चुनाव वाले दिन मेरी मदद करनी है, ठीक है, तो शायद उसके लिए वो बंदा राजी हो जाए। तो आपका जो वॉलेंटियर स्ट्रेंथ है वो वॉलेंटियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और उनका स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, आपका वोटर टारगेटिंग इम्पैक्टफुल हो जाएगा। सी आर पाटिल जी ये काम करते हैं, सी आर उसके पाटिल अलावा जी ये भी काम करते हैं कि किसी बंदे को क्या फायदा मिला, कोई उनके ऑफिस आया और उन्होंने उसका काम करवा दिया, वो उस इस चीज को वोटर लिस्ट में मार्क कर देते हैं, वो मार्क कर देते हैं कि जैसे ये देखिए मरियम खातून जी का उन्होंने काम करा दिया, इनको हज यात्रा पे भेज दिया, ठीक है। तो अब उनको पता है कि इस ये पूरा 11 वोट हमको मिलना ही मिलना है, तो वो हर बंदे को जिसका भी काम कराते हैं उसको इसी पे मैप कर लेते हैं। तो उन्होंने काम कराया 50 लोगों का, लेकिन उनको पता है कि इस 50 का मतलब है कि हमको 150 वोट मिलेगा पक्का। जी ठीक है। ये तो इनका मेथड हो गया। और जैसे आप पार्टी भी यही पन्ना प्रमुख वाला आप पार्टी में तो नहीं है ना? आप पार्टी मतलब सबका थोड़ा थोड़ा नाम अलग अलग है, लेकिन आप भी बहुत हद तक करती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो आप बनाती है स्कूल उसमें मैनेजमेंट इसको यूज कमेटी करती है। हाँ, वो उनका क्या रहता है सर? इसी तरह से रहता है, मतलब एक जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, तो वो मार्क करते हैं कि किसके किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी उस तरफ से जाती हैं फिर। वो उस तरह से जाती हैं। अल्टीमेटली आपको 1,000 लोगों को बांटना है जितने छोटे लेवल पे आप बांट सको। वोटर लिस्ट एक्सेल का क्या फायदा है? ये जो कलर देख रहे हैं आप, जी ये कलर फैमिली वाइज कलर कोडेड एक्सेल है, ओके। ठीक है। एक्सेल ऐसी होती नहीं है, ये हमारा टूल है जिससे हम उसको फैमिली वाइज कलर कोडेड कर रहे हैं। तो एक जैसे ये देखिए, ये इतना बड़ा परिवार है, ओके ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये एक ही आदमी का परिवार है, जी ठीक है। तो जब ये डेटा आपके पास एक्सेल में होता है, तो अब क्या हुआ कि एक बूथ पे लगभग 1,000 वोटर हैं और वो 1,000 वोटर लगभग एक परिवार में 5 बंदे मानते हैं, तो 500, ये सॉरी 200 फैमिली हो गई जी एक बूथ पे। अब हमने इससे क्या देखा है, 200 फैमिली का जब हम इस तरह से कलर कोडेड करते हैं, तो हमने देखा है कि 50 फैमिली में लगभग 10-10 लोग रहते हैं और बाकी के 150 फैमिली में एक दो लोग रहते हैं। तो अब आपको अगर आप अपने टीम को लगा के एक बूथ में 50 घरों का नंबर ले लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका 50% से ज्यादा बूथ के कांटेक्ट नंबर आ जाएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो फिर आपको पता नहीं है कि किस घर में भेजना है किसको,
तो अगर जी टीम जी एक साथ 50 लोगों से ऐसे ही पीडीएफ वाइज जाएगी तो हो सकता है कि 50 कलेक्ट करते करते टोटल आपको 250 लोगों के ही कांटेक्ट डिटेल मिले। ये डिफरेंस होता है एक्सेल में डेटा यूज करने का, तो ये आपको डेटा कलेक्शन में भी हेल्प तो करता है। जैसे जैसे अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, ये डाटा एनालिस्ट और जो बूथ एनालिस्ट है, ये तो सब पॉलिटिशियन करते होंगे ना, राइट? वो मेरे पास भी होगा, वो सेकंड आदमी पे। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? नहीं समझे हम आपका सवाल। जैसे हम लोग ये डाटा एनालिस्ट कर रहे हैं, अब आप एक्सेल के फायदे दिखा रहे हैं, राइट? तो ये हर पॉलिटिशियन ये चीज करता होगा, राइट? क्या अलग तरीके आप से करता है, बहुत सब तो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट पॉलिटिशियन है और जो टॉप लेवल पे है वो करते हैं, अच्छा, हर कोई नहीं करता। हर कोई नहीं करता। तो जैसे कुछ लोग इस डेटा को ऐप में यूज करते हैं, वो ऐप के थ्रू अच्छा यही काम करते हैं, टीम को भेजते हैं तो ऐप दे के भेजते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको एक्सेल के थ्रू करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, ऑलराइट। तो ये सारा तरीका है सेम चीज का, मतलब वोटर्स के डाटा को डिजिटाइज करके कैसे मेजर